गो. थैंक यू अभिषेक. द चेरी ऑर्चर्ड. दिस इज पेज वन एंड दिस ड्रामा इज बाय एंटन चेकॉव. क्वेश्चन नंबर शुड बी गिवन. नाउ आंसर. द चेरी ऑर्चर्ड 1904 इज अ प्ले बाय एंटन चेकॉव 1860 टू 1904. इफ यू कांट रिमेंबर द डेट इग्नोर इट. तारीख याद नहीं हो तो छोड़ दीजिए. He, Chekhov, is a great Russian dramatist and a short story writer. दोनों नाटक भी अच्छा लिखते हैं, short story भी. His famous works are The Chameleon, The Seagull, Three Sisters, Uncle Vanya and some more. और है. There are many characters in The Cherry Orchard. बहुत सारे characters में हैं. The most important characters are Madam रेनी वेस्की, द ओल्ड सर्वेंट, लोपाखिन एंड आनिया, रेनेवेस्कीज डॉटर. प्लीज टर्न ओवर पेज. द ड्रामा शोज द डिक्लाइन ऑफ एन एरिस्टोक्रेटिक इन रशिया. देखिए, aristocracy means people born in the highest social class. Aristocracy में आता है सबसे अमीर लोग जो होते हैं उसको कहते हैं aristocracy. तो ये भी बहुत रईश अमीर लेडी है जिसकी कहानी ये है. मैडम रेनेवेस्की इज एन एरिस्टोक्रैट. सबसे ऊँचे अमीर परिवार की है ये. टू रिमूव द पेन ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड हर सन शी स्पेंड्स 5 years इन रशिया. अपने पति के मौत का दुख और अपने बेटा के मौत का दुख भूलने के लिए वो पेरिस चल जाती है. अब देखिए ये सेंटेंस जोड़ सकते हैं. एक्चुअली शी इज़ हैविंग अ लव अफेयर इन दैट सिटी. और उस फैशनेबल सिटी पेरिस ने एक्चुअली लव अफेयर करी. खाली बहाना क्या बनाई, हम शोक दूर कर रहे हैं. दिस रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ट्वेल्थ नाइट. कंपेरिजन कीजिए तो ट्वेल्थ नाइट में भी कुछ इस तरह होता है. इन दिस ड्रामा ओलिविया इज ग्रीविंग फॉर अ डेड ब्रदर एंड रिफ्यूजेज टू बी सीन फॉर 7 years. वो क्या नाटक करती है कि मेरा भाई मर गया है, हम शोक में 7 साल से किसी से नहीं मिलेंगे. हालांकि वो उसको भी तुरंत प्यार हो जाता है. आनिया गोज फ्रॉम रशिया टू पेरिस. आनिया उसकी बेटी जो है रशिया से पेरिस जाती है. शी एंड हर मदर, अब पिस्त्री हमारे शी एंड मदर कम बैक फ्रॉम पेरिस टू रशिया. फिर पेरिस से फिर वो वापस रशिया आती है. दिस शोज हाउ दे आर वेस्टिंग मनी. ये क्या दिखाता है कि लोग पैसा कैसे बर्बाद कर रहे हैं. ये लोग मैडम रेनेवेस्की हैज़ टेकन अ बिग लोन फ्रॉम अ बैंक. बहुत कर्जा ले लिया बैंक से. शी इज स्पेंडिंग मनी लेफ्ट एंड राइट. वो आया दाया खर्चा किए जा रही है बट नॉट बी पेइंग द लोन. वो जो कर्जा ली है उसको वो नहीं चुका रही है. द ओल्ड सर्वेंट लोपाकिन गिव्स मैडम अ वार्निंग. और ये जो नौकर जो है होशियार है, समझदार है, चेतावनी देता है. पे द लोन. उसको जो लोन लिया उसको सधाइए. डू प्लॉटिंग. और वो प्लॉटिंग का प्राइस है तो प्लॉटिंग से आप पैसा कमा सकती हैं और आपको वो लोन सुधारने में अच्छा होगा. कलेक्ट मनी, पैसा जमा कीजिए. पे द लोन. लोन को पे कीजिए. बार बार वार्निंग दे रहा है. मैडम रेनेवेस्की रन्स आफ्टर शो एंड फैशन. लेकिन ये जो है तमाशा कर रही है, शो कर रही है, फैशन कर रही है. इन प्लेस ऑफ अ सिल्वर कॉइन शी गिव्स टू अ ड्रंकन बेगर सेवरल गोल्ड पीसेस. और तो कोई पियक्कड़ भिखारी आता है पैसा मांगने तो उसको सिल्वर छोटा सिक्का नहीं देकर क्या करती है, सोना का सिक्का कई सारा दे देती है. हर डॉटर आनिया इशा सुबह इसकी बेटी को सदमा लगा रही. भाई ये मम्मी क्या कर रही, बर्बाद कर रही पैसा. पन्ना पलटो बेटा. थैंक यू. मैडम रेनेवेस्की हैज़ अ मील इन होटल्स. और भोजन कहाँ खाती है, होटल में खाती है. शी थ्रोज अ म्यूजिकल पार्टी. और पार्टी देती है एकदम संगीत के साथ. शी डज नॉट पे द लोन. लेकिन वो लोन को नहीं सताती है. शी डज नॉट अलाउ हर सन टू वर्क. अपने बेटा को काम करने नहीं देती है. शी क्या कहती है, माई सन वॉज नॉट बॉर्न टू वर्क. मेरा बेटा काम करने के लिए जन्म लिया था. कब बेटा को काम नहीं करने देती. द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस फुलिशनेस इज दैट द चेरी ऑर्चर्ड इज ऑक्शन. उसका नतीजा क्या होता है, चेरी ऑर्चर्ड लीलाम हो जाता है उसका. विथ हिज हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिकल सेंस द ओल्ड सर्वेंट हैज कलेक्टेड मनी. तो दुनिया का पुराना नौकर जो है वो पैसा काफ़ी जमा कर लिया है. अब देखिए कैसा उल्टा खेल होता है. ही लोपाकिन परचेजेज द ऑर्चर्ड इन द ऑक्शन. और लीलाम में
एक नौकर नहीं ना उस ऑर्चर्ड को खरीद लेता है। मैडम रिनवेस्की एंड अ फैमिली मेंबर्स हैव टू क्विट, करना पलटो बेटा, हैव टू क्विट द हाउस एंड द ऑर्चर्ड। तब क्या होता है, जो मैडम को है वो अपना घर छोड़ना पड़ता है, वो सुंदर बगीचा जो है ऑर्चर्ड चेरी ऑर्चर्ड का, उसको क्विट छोड़ना पड़ता है। अब देखिए, वी आर रिमाइंडेड ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर, और किंग लियर की ड्रामा हम लोग को याद आती है। द फूलिश लियर गिव्स अवे हिज एंटायर किंगडम टू हिज टू कनिंग डॉटर्स, और ये बुद्धू राजा क्या करता है, अपना पूरा राजपाट किसको दे देता है, दो धूर्त बेटियों को दे देता है, रेगन और गॉन्ड्रिल नाम। इन द स्टॉर्म सीजन, जो तूफान आता है, वर्षा होती है, वी सी लियर, हम लोग क्या देखते हैं राजा को, नेकेड है वो बेचारा, ड्रेस्ड इन लीव, पत्तों से खाली उसका अंग सब ढका हुआ है, इसके ये बुद्धूपनी का ये नतीजा होता है। एंटन चेकॉव हैज इंट्रोड्यूस सम लव सीन्स इन द ड्रामा, एंटन चेकॉव है कोई नाटक में लव सीन दे दिया है, दे हैव बीन इंक्लूडेड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द प्ले, खाली इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फीमेल से बुला दिया है नाटक में, लेकिन मेन पॉइंट इन द चेरी ऑर्चिड इज, मेन मकसद क्या है, सोशल चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इन रशिया, समाज में जो रशिया में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है वही मेन फोकस है इस नाटक का। पढ़ना पलटो बेटा, अब ये मेरे हिसाब का लास्ट पेज है। द चॉपिंग डाउन ऑफ द ब्यूटिफुल चेरी ट्रीज इज द सिम्बल ऑफ द एंड ऑफ रूरल लाइफ इन रशिया, तो ये पेड़ जो काट देता है, सुंदर सुंदर फलों का पेड़ जो काटा जाता है, एक प्रतीक है, क्या प्रतीक है, कि देहाती जीवन जो था, रूरल लाइफ, देहाती जीवन जो रशिया का था, उसका अंत हो रहा है। इन प्लेस ऑफ द ट्रीज कमर्शियल कॉटेजेस वेयर कंस्ट्रक्टेड, और ट्री को काट के क्या होगा, कमर्शियल पैसा कमाने के लिए छोटे छोटे मकान बना दिया गया, ताकि वहाँ पर टूरिस्ट सब रहे, वो जो भी है समझ, ये क्या कहते हैं। अब देखिए, स्टालिन 1878 टू 1953 ब्रॉट ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल चेंजेस इन रशिया, वो स्टालिन जो है बहुत सारा परिवर्तन ला दिया, खेती के मामले में भी कलेक्टिव फार्मिंग होने लगा, इन फैक्ट्री बनाने लगा, दिस वॉज कॉल्ड द ग्रेट टर्न, पॉलिसी बदल दिया, ग्रेट टर्न, उल्टा काम करने लगा ये। अब कंक्लूजन दे रहे हैं, द चेरी ऑर्चर्ड शोज अ ट्रांजिशनल फेज इन रशियन हिस्ट्री, क्या ट्रांजिशनल बदलाव का जो फेज हो रहा है उसको ही दिखाता है चेरी ऑर्चर्ड। द आयरन मैन स्टालिन एक्सटर्मिनेटेड एरिस्टोक्रेट्स, द आयरन मैन स्टालिन एक्सटर्मिनेटेड एरिस्टोक्रेटिक फूल्स लाइक मैडम रेविन, क्या रेनिवेस्की, तो ये क्या ऐसे मूर्ख औरतों को उसका नाशे कर दिया, ये जो आयरन मैन जो था ख़त्म कर दिया। ही मैंने कौन, स्टालिन मेड रशिया पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये रशिया को क्या किया, बहुत शक्तिशाली चीज बना दिया स्टालिन। दैट्स ऑल, थैंक यू।